बता सकता, पर हाँ ये है कि पिछले कई 2-1 महीने से स्थिति काफ़ी गंभीर है यहाँ की। और इंदौर में जैसे देख रहे हैं कि पेशेंट्स में ड्रॉपआउट्स आ रहा है, यहाँ भी ड्रॉपआउट्स आ रहा है, लेकिन कंटिन्यूएशन में पेशेंट निकल रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर अभी थोड़ा सख्ती बढ़ाई गई है। मैं बिल्कुल पक्के का आंकड़े नहीं बता सकता, पर हाँ यहाँ ये है कि बीस दिन में काफ़ी ज़्यादा केसेस है। इंदौर लगातार जो है हम ये कहें कि कोरोना से जीतने की ओर है, और यही वजह है कि इंदौर में अब जो अलग अलग इलाके जहाँ पर कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। इंदौर के राजेंद्र नगर में हम इस समय मौजूद हैं, और राजेंद्र नगर की ये जो सिलिकॉन सिटी है ये इंदौर की एक बड़ी सिटी है जहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और पीतमपुर से इसका ताल्लुक है। यही वजह है कि जो बाहर से आने जाने वाले लोग हैं उनको यहाँ प्रतिबंधित करने के लिए आने जाने पर रोक लगा दी है। ये बाकायदा है जो कंटेनमेंट एरिया है, हालांकि जो अत्यावश्यक सुविधाएं जैसे पानी उसको आने जाने के लिए जो यहाँ पर फ्री किया गया है, और यहाँ पर बाकायदा पुलिस जो राजनगर पुलिस की जो टीम है वो मुस्तैद है। आप देख सकते हैं पुलिस सहायता केंद्र यहीं पर ही मौजूद है, इनके द्वारा पूरा बाकायदा जो है इस पूरे ही इलाके को जो है सील कर दिया गया है। यहाँ बाकायदा जालियाँ लगा दी गई है और किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये देखिए आप, ये जो पूरा की पूरा क्षेत्र है इसको सील कर दिया गया। यहाँ पर हमारे पास जो हवा बंगला के झोनल अधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं क्या किस तरह से यहाँ तैयारियाँ की गई है। ये सिलिकॉन सिटी हवा बंगला जोन 14 के अंतर्गत आता है। यहाँ कंटेनमेंट एरिया सिलिकॉन सिटी, पुलक सिटी, सीओ सिटी को बनाया गया है। यहाँ टोटल लॉकडाउन को बंद कर दिया गया है, जनता कर्फ्यू के टाइप बंद, टोटल बंद करके आवश्यक चीज़ों की ही यहाँ व्यवस्था की गई है। दूध की व्यवस्था सुबह छूट दी गई है, और जिन लोगों को यहाँ से बाहर जाना है 7 दिन के लिए शिफ्ट किया गया है बाहर के लिए, जिनको जाना है। पीथमपुर के लोग थे जो बाकायदा फैक्ट्रियों से आना जाना था, उसकी वजह से संक्रमण फैलने की संभावना। पीथमपुर के लोग जो फैक्ट्रियों से आ रहे थे उन लोगों के फैक्ट्री वालों मालिकों से बात कर उनके 7 दिन के लिए यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। वो वहीं पर उन्होंने अपनी व्यवस्था की है और वो लोग वहीं पर अन्य स्थान पर रहेंगे। ये 7 दिन के लिए टोटल कंटेनमेंट एरिया बंद कर दिया गया है। वैक्सीनेशन भी यहाँ पर रोक, वैक्सीनेशन अभी यहाँ पर रोक दिया गया है। जैसे ही अभी कंटेनमेंट होगा निगम और प्रशासन द्वारा इसको वैक्सीनेशन की यही समस्त जनता की यही व्यवस्था की जाएगी। जिस तरह से आपने देखा कि इंदौर से जो है, मतलब ये कहें कि कोरोना को लेकर इंदौर में कंट्रोल करने को लेकर ये सिलिकॉन सिटी को सील कर दिया गया है, मतलब सील से मतलब ये है कि यहाँ पर आने जाने पर रोक लगा दी गई है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में जो लोग रहते हैं वो पीतमपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है राऊ से पास ही पड़ता है वहाँ के लोग रहते हैं, उन लोगों के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है। जितने भी कर्मचारी जो वर्कर थे, जितने ऑफिसर थे जो अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं, कंपनियों से बात कर उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब 7 दिन तक पीतमपुर से आने जाने पर भी यहाँ पर प्रतिबंध रहेगा, और ये पूरा की पूरा जो कवायद है इंदौर को ओपन, मतलब इंदौर को खोलने के लिए ये सब किया जा रहा है। क्योंकि जो है ज़्यादा दिन तक जो है हम ये कहें कि मध्य प्रदेश का आर्थिक शहर इंदौर है, उसको बंद नहीं रखा जा सकता। यही वजह है कि अब अलग अलग कंटेनमेंट जोन बनाकर उनको वहीं पर जो है हम ये कहें कि वहाँ कोरोना कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, बाकी लोगों को खोलने की अब कवायद शुरू होने वाली है। अभी तो स्थिति बहुत विकट है, भयानक है। कलेक्टर साहब ने जो आदेश दिए हैं उसके अनुसार अभी तो जो हॉस्पिटल वाले भी हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में MYMS सुपर स्पेशलिटी में, उनको भी यही निर्देश दिया गया है कि आप कृपया बाहर ना जाएं, 8 दिन दूसरी व्यवस्था आप देख लो, और यदि आपको बाहर जाना है तो आप 8 दिन बाहर ही रहें। सहयोगी सहजाद के साथ मैं समीर खान, 91 न्यूज़ 9 के लिए इंदौर से।